सबकी माँ कैसे हैं आप लोग? मजा आ रहा है ना तमिल सीखने में? फ्रेंड्स, आज हम लोग किसी भी स्कूल में जाने के बाद बच्चों के एडमिशन के समय कैसे बातें करते हैं उसके बारे में बातें करेंगे, ठीक है? अन्ना वड़कम अन्ना वड़कम वड़कम माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे चैप्टर वी हैव चोजन यू आर ड्राइंग फॉर अ स्कूल एडमिशन फॉर योर चिल्ड्रन. Okay friends, it's a very simple, very small conversation we have made. Let us start. Friends, यहाँ पे जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई तो हमें मिलता ही है, तो हमें वहाँ पे कैसे बातें करनी है? मान लीजिए वहाँ पर एक क्लर्क है, सरवनन नाम है, और मेरे बीच दोनों के बीच बातें हो रही हैं. मेरा नाम राजेश है, ठीक है ना? तो राजेश और सरवनन के बीच बातें हो रही है, उसको देखिए. सरवनन कहता है, नमस्ते सर, आइए कहिए क्या बात है. सरवनन says, हेलो सर சௌக்கியமா. ஹலோ சார் சௌக்கியமா, என்ன விஷயமா வந்தீங்க? என்ன விஷயமா வந்தீங்க? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹலோ சார் சௌக்கியமா, என்ன விஷயமா வந்தீங்க? तो फ्रेंड्स जो बोलता है पहले तो हेलो सर या वड़कम बोलते हैं, तो कहेगा वड़कम सर, वड़कम सर. सबकी माँ ठीक है ना? इतना विषय मतलब किस विषय पर, वंदिंगा मतलब किस विषय पर बात करने के लिए आए. तो फ्रेंड्स हिंदी में तो बोलते हैं कहिए क्या बात है, इसका ट्रू ट्रांसलेशन नहीं है. जहाँ पे जैसे बातें करते हैं हम लोग वैसे ही बात करने की कोशिश करेंगे. हिंदी में रहेगा तो कहिए क्या बात है बोलेंगे, लेकिन जब तमिल में बोलना होगा तो एन्ना विषयमा वंदिंगा माने आप किस विषय पे बात करने के लिए आए हैं, ऐसा बोलना पड़ेगा, ठीक है? तो राजेश जो है, राजेश कहते हैं स्कूल में बच्चों के एडमिशन के लिए आया हूँ. राजेश says, we have come for our children's admission in the school. Okay friends, we have come for admission of our children in the school. So, what is the Tamil equivalent? Rajesh says, school, எங்க தமரை, school, எங்க பசங்களுக்கு, for my children, for our children, school, எங்க பசங்களுக்கு அட்மிஷன்காக, அட்மிஷன் கேளியே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அட்மிஷன்காக வந்தோம் ஸ்கூலில், எங்க பசங்களுக்கு அட்மிஷன்காக வந்தோம். तो फ्रेंड देखिए ना, स्कूल लाघर में, स्कूल में एंगा मतलब अपने पसंगल को मतलब बच्चों के लिए, बच्चे मतलब एक से अधिक है, ठीक है ना? एडमिशन कहा के लिए, कहा के लिए वंदो आया हूँ स्कूल में, बच्चों के एडमिशन के लिए आया हूँ. स्कूल ला एंगा पसंग को एडमिशन कहा वंदो. ओके फ्रेंड्स, स्कूल में हमारे बच्चों के एडमिशन के लिए आए हैं. ஸ்கூல்ல எங்க பசங்களுக்கு அட்மிஷன்காக வந்தோம். फिर सरवन पूछेंगे किस क्लास में एडमिशन कराना है. yes. किस क्लास में एडमिशन कराना है, रिटन टेस्ट हुआ या नहीं, ये सब इंफॉर्मेशन. यस, एडमिशन इनटू व्हिच क्लास, कौन सा क्लास में है, रिटन टेस्ट हुआ कि नहीं, है ना? सरवन विल ऑब्वियसली नेचुरली ही विल आस्क कौन सा क्लास के लिए एडमिशन चाहिए और रिटन टेस्ट हुआ कि नहीं. तो देखिए फ्रेंड्स, सरवन इक्वलेंट है எந்த क्लास, எந்த किस क्लास के लिए ना, எந்த क्लास एडमिशन, रिटन टेस्ट முடிஞ்சதா, रिटन टेस्ट முடிஞ்சதா, रिटन टेस्ट முடிஞ்சதா, எந்த क्लास एडमिशन, रिटन टेस्ट முடிஞ்சதா. देखिए फ्रेंड्स कितना आसान है, किस क्लास में, எந்த क्लास एडमिशन, यहां पर क्लास और एडमिशन दोनों को अंग्रेजी में ही लिखा हुआ है, तो हमें सिर्फ எந்த ही याद करना है. எந்த क्लास एडमिशन मतलब किस क्लास में, ठीक है? रिटन टेस्ट यहां भी देखिए, रिटन टेस्ट तो इंग्लिश के शब्द है, முடிஞ்சதா हुआ क्या, முடிஞ்சதா. Question. Rajesh is answering. Yes, written test முடிஞ்சது. पहली वो बोलता है, राजेश कहता है पहली कक्षा में टेस्ट तो हो गया पर लड़का ठीक से नहीं लिखा, जगह बदलने से, भाषा की समस्या से वो भ्रमित कंफ्यूज हो गया. उसे यदि ऐसे तमिल में कहना है तो कैसे कहेगा? हाँ फ्रेंड्स, प्लीज लिसन केयरफुली, which standard he is asking Saravanan. So Rajesh is answering ஒன்னாம் வகுப்பு, first standard, ஒன்னாம் வகுப்பு. Next thing is, test हुआ कि नहीं, है ना? तो राजेश is answering, test मुड़िंजदा. राजेश says, yes, test मुड़िंजदे. But, लेकिन, पायन,
बेटा ठीक से लिखा नहीं सरिया पायन सरिया येर्ड फ्रेंड्स राइट येर्ड येर्ड इल्ला ये इस नॉट रिटन प्रॉपरली देवर पायन सरिया येर्ड इल्ला ऊर मातम इस आल्सो गिविंग ए जस्टिफिकेशन क्यों नहीं लिखा ऊर मातम चेंज ऑफ प्लेस भाषा मातम मातम फ्रेंड्स मातम चेंज ऊर मातम चेंज ऑफ प्लेस भाषा मातम चेंज ऑफ लैंग्वेज எல்லாம் கன்ஃபியூசிங் ஆல் தீஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஹவ் கன்ஃபியூஸ்டு மை சன் தேர்ஃபோர் ஹி ஹஸ் நாட் ரிட்டன் தி டெஸ்ட் ப்ராப்பர்லி तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पे वो कहता है पहली कक्षा में टेस्ट तो हो गया पर लड़का ठीक से नहीं लिख पाया क्यों नहीं लिख पाया जगह बदलने से भाषा की समस्या के कारण कंफ्यूज भ्रमित हो गया उसे तमिल में कैसे कहेंगे लग तो है बहुत लंबा है टोटल का समझिए तो आसान समझ जाएंगे जैसे हम लोग यहाँ पे देख लीजिए मुड़िंचदा देखिए मुड़िंचदा लिखा क्या था आंसर क्या रहेगा मुड़िंचदु मुड़िंचदु मतलब वो लिखा आंसर तो ओन्नाम फर्स्ट सेशन के ओन्नाम बहुपु टेस्ट मुड़िंचदु मतलब पहली कक्षा में टेस्ट लिखा था पयान लड़का सरिया अच्छे से इलद इलद लिखना क्यों होता है और इल्ला लग गया इसके साथ में तो इलद इल्ला इलदला इलदला मतलब पयान हां सरिया एळुदला एळुदु एळुदु पड़म पड़म वाला अल्लाह एळुदला तीसरा वाला फ्रेंड लेवल तीसरा वाला है ना देखिए इलदला मतलब वो अच्छे से नहीं लिखा और मार्टन बासे मार्टन एलाउ कंफ्यूजिंग इसके कारण वो कंफ्यूज हो गया तो हमने एक बार फिर से इस सेंटेंस को बोल के बता दीजिए ओके फ्रेंड्स सराउंडिंग वाज आस्किंग एंड द क्लास कौन सा क्लास की एडमिशन चाहिए रिटन टेस्ट लिखा कि नहीं रिटन टेस्ट मुड़ीजदा करके पूछ रहा है सो राजेश शुड आंसर नाउ एंड द क्लास कौन सा क्लास तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए क्या बोलना है फ्रेंड्स तमिल में ஒன்னாம் வகுப்பு ஒன்னாம் வகுப்பு தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ரிட்டன் டெஸ்ட் முடிஞ்சதா சரவணன் வாஸ் ஆஸ்கிங் தோ ராஜேஷ் இஸ் ஆன்சரிங் நவ எஸ் ரிட்டன் டெஸ்ட் முடிஞ்சது ரிட்டன் டெஸ்ட் முடிஞ்சது பட் பையன் மீரா பேட்டா சரியா ஠ீக் சே எழுதல எழுதல அச்சா சே லிகா ஏ என்னோட பையன் சரியா எழுதல ஹி இஸ் ஆல்சோ கிவிங் எ ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ஊர் மாற்றம் பாஷா மாற்றம் எல்லாம் ஒரே கன்ஃபியூசிங் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் फिर सवर्णम कहते हैं ठीक है एक सप्ताह के बाद फिर टेस्ट रखेंगे आप अपने बेटे की जो है ना तैयारी करवा कर अपने बेटे को फिर से लाइए बेटा को तैयार कीजिए ठीक है एक सप्ताह के बाद फिर से टेस्ट रखेंगे आप अपने बेटे को तैयार कीजिए यदि ऐसे बोलना है राजेश को ஒரு வாரம் கழிச்சு ஒரு வாரம் கழிச்சு ஆஃப்டர் ஏ வீக் ரீடெஸ்ட் வைப்பாங்க வைக்கிறாங்க ரீடெஸ்ட் வில் பி ஹெல்ட் ரீடெஸ்ட் வைக்கிறாங்க மீன்வைல் யூ ப்ரிப்பேர் யுவர் சன் பையனை தயார் பண்ணுங்க ஆப் அப்னே பேட்டைக்கோ தயார் கீஜே ரெடி கீஜே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரவணன் சேஸ் பரவாயில்லை வாட் ராஜேஷ் இஸ் செல்லிங் பையன் சரியா எழுதல டீச்சர் நகிலிக்கா ஸோ சரவணன் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் பரவாயில்லை ஒரு வாரம் கழிச்சு ஆஃப்டர் ஏ வீக் ரீடெஸ்ட் வைக்கிறாங்க ரீடெஸ்ட் வைக்கிறாங்க ஸ்கூல்ல இருந்து தேர்ஃபோர் பையனை ஆப்டர் பேட்டாக்கோ பையனை தயார் பண்ணுங்க अपने बेटा को फिर से प्रिपेयर अच्छे से करवाइए yes. हाँ परवाही ले कोई बात नहीं और वार कर जी मतलब एक सप्ताह के बाद रीटेस्ट इंग्लिश शब्द है वक्की रंगा मतलब फिर से रीटेस्ट होगा पहियान अपने बेटा को तैयार बनूंगा मतलब फिर से अपने बेटे को अच्छे से तैयार करा करके ले आइए फिर उसके बाद राजेश कहते हैं ठीक है यह मेरी बेटी है वो दो लोग के साथ आए ना तो यह मेरी बेटी है इसने परीक्षा पास करनी है इसके प्रवेश के लिए क्या करना है इसके प्रवेश के लिए क्या करना है तो फ्रेंड्स यहाँ पे शब्द जो है ना वाक्य आपको लंबे लंबे नजर आ रहे हैं उसको छोटे छोटे करके समझिए और ऐसे बोलने की कोशिश करिए सो जब सरवणन बोला रीटेस्ट होगा आफ्टर वीक है ना अपने बेटा को रेडी के लिए तो वाट राजेश इज सेलिंग सरी सरी ओके ओके ठीक है ठीक है नाउ ही हैज गॉट अनदर चाइल्ड है ना बोले मेरे बच्चों के एडमिशन के लिए आए सो शी इज माय डॉटर शी हैज क्लियर द टेस्ट She has passed the test. So what is the procedure for her admission? उनकी admission के लिए क्या करना होगा?
So what is the Tamil equivalent friends? She is my daughter. இது எங்க பொண்ணு? இது எங்க பொண்ணு? மகள். Daughter. பொண்ணு பேட்டி. இது எங்க பொண்ணு? டெஸ்ட் பாஸ் பண்ணிட்டாள். எங்க பொண்ணு? டெஸ்ட் பாஸ் பண்ணிட்டாள். அவள் அட்மிஷனுக்கு, देखिए उसकी एडमिशन का, அவள் அட்மிஷனுக்கு என்ன பண்ணணும்? क्या करना है? அவள் அட்மிஷனுக்கு என்ன பண்ணணும்? ओके फ्रेंड्स, एक साथ बोलेंगे तो अन्ना कैसे बोलेंगे? एक साथ एक एक फ्रॉम रूल बता दीजिए. हां, शी इज माय டாட்டர். எங்க பொண்ணு? இது எங்க பொண்ணு? டெஸ்ட் பாஸ் பண்ணிட்டாள். டெஸ்ட் பாஸ் பண்ணிட்டா. அவள் அட்மிஷனுக்கு என்ன பண்ணணும்? ओके फ्रेंड्स, सरल कहते हैं आप ऑफिस में जाकर फॉर्म ले लीजिए, भरकर जमा कीजिए, कक्षाएं 1 तारीख से शुरू हो जाएंगी. कलेक्ट द फॉर्म फ्रॉम द ऑफिस, है ना? एडमिशन फॉर्म विल बी देयर इन द ऑफिस. सो सरवणन सेज काइंडली कलेक्ट द फॉर्म फ्रॉम द ऑफिस, सबमिट आफ्टर फिलिंग. क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑनवर्ड्स. ओके फ्रेंड्स, kindly collect the form from the office, submit after filling, classes are starting from first onwards. So what is the Tamil equivalent? Office la, hai na, office mein, office la form vaangi collect panni, office la form vaangi fill panni anga, there anga wahan submit pannunga. Ha, ஆபீஸ்ல ஃபார்ம் வாங்கி ஃபில் பண்ணி அங்க சப்மிட் பண்ணுங்க. ஆபீஸ்ல ஃபார்ம் வாங்கி ஃபில் பண்ணி அங்க சப்மிட் பண்ணுங்க. கிளாஸஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து, கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து தொடங்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வில் ஸ்டார்ட், தொடங்கும் கிளாஸஸ் வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிளாஸஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து தொடங்கும். Classes first ले इरुंदु तोड़ंगूं. Okay? Friends, देख लीजिए यहाँ पर हम लोग कैसे सीखना है. Office ला form वांगी, मतलब office से form लीजिए. Fill पड़ेंगा, मतलब उसे भरिए. ठीक है? Submit पड़ेंगा, फिर वहाँ पे उसे भर दीजिए. ठीक है? फिर क्लास फर्स्ट ला, मतलब फर्स्ट से, इरुंदु तोड़ंगूं, मतलब फर्स्ट से शुरू होगा. तो इसी को चार भागों में करके सीखना है. Yes. Office ला form वांगी. Collect the form from the office. Office ला form वांगी. Fill पड़नी. आफ्टर फिलिंग, है ना, भर के सबमिट पन्नेंगे. हाँ, वहाँ सबमिट कीजिए. हाँ, वहाँ सबमिट कीजिए. क्लासेस फर्स्ट ले इरुंदु तोड़ंगुं. क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑनवर्ड्स. ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यदि आप किसी स्कूल में जॉब कर रहे हैं, यदि आपको पेरेंट्स के साथ बात करनी पड़ती है या फिर आप पेरेंट्स हैं, तो दोनों के लिए ये कन्वर्सेशन बहुत ही यूजफुल होगा. तो इसे जो है तोड़ तोड़ कर पढ़िए और अन्ना के साथ बोलने की कोशिश कीजिए. Okay friends, hope this is interesting. Kindly go through again and again. Enjoy. Hope, wish you all the best. Okay friends, happy learning.